आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है कि जिनको घुटने में काफी ज्यादा दर्द रहता है, जैसे ही चलने जाते हैं घुटने में सूजन आ जाता है, घुटने में काफी सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो आज हम इनके लिए बहुत ही आसान इलाज आपको सिखाने वाले कि जिनको आप घर पर ही बहुत ही आसानी से कर सकते हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं डॉक्टर वॉल के ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सिखाने वाला हूं कि जिनके जरिए आप घुटने के दर्द में, घुटने में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। डॉक्टर वॉल के जो पॉइंट्स होते हैं वह डायरेक्ट टिश्यू और ऑर्गन के ऊपर इनका इफेक्ट डालते हैं, इसीलिए आप घुटने में जो डैमेज हुआ है इनका रिपेयरिंग काम बहुत ही अच्छी तरीके कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम यह सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को कैसे लोकेट करना है, इनके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट करनी है वह डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो यह सेकंड टो है, इनकी बिग टो साइड की जो यह बॉर्डर है वहाँ पर हमें मसाज करना है। डॉक्टर वॉल के हिसाब से इस जगह पर हमारी जॉइंट डीजनरेशन यानी कि जेडी मेडियन होती है, जो कि नाखून के अंदर यहाँ पर से स्टार्ट होके इस तरीके से पास होती है। तो यह मेडियन को हमें इस तरीके से मसाज करना है, 2 से 3 मिनट के लिए इनको मसाज करना है। यहाँ पर आप कोई भी ऑयल या फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर इस तरीके का जो एक्यूप्रेशर टूल होता है इनका इस्तेमाल करके भी यह जॉइंट डीजनरेशन मेडियन को मसाज कर सकते हो। तो इनको मसाज करने से हमारे शरीर के सभी जॉइंट्स अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं। इनके बाद हमारी जो यह मिडल फिंगर है, यह मिडल फिंगर के मिडल जॉइंट को हमें मसाज करना है। पूरे जॉइंट को हमें अच्छी तरीके से मसाज देना है, अंदर बाहर आगे पीछे इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है। तो यहाँ पर हमारे घुटने के लोकल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो यह सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यह मसाज को करने से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें 2 से 3 मिनट के लिए यह जॉइंट को मसाज देना है। इनके बाद फिर हमें इस जगह पर मसाज करना है। डॉक्टर वॉल के हिसाब से इस जगह पर हमारी जो लिम्फेटिक मेडियन होती है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मसाज करने से वह पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए घुटने के अंदर जो सूजन होता है वह धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हमें 1 से 2 मिनट के लिए इस जगह पर मसाज करना है। तो इस तरीके से हमें यह 3 जगह पर 2 से 3 मिनट के लिए हर एक जगह को मसाज देना है। तो यहाँ पर आप यह मसाज को करके भी घुटने के दर्द में काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हो, पर अगर आप घुटने के दर्द का सटीक इलाज करना चाहते हो तो ये सभी जो नाड़ी है इनके ऊपर अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इनको दबाते हो, इनके ऊपर सारवार करते हो तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हो। तो यह सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को कैसे लोकेट करना है, इनके ऊपर कैसे सारवार करनी है और इनके पीछे का साइंस क्या है वह सब कुछ डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो यह जॉइंट डीजनरेशन मेडियन है वहाँ पर हमें यह 3 पॉइंट के ऊपर सारवार देनी है। इसमें जो पहला पॉइंट है वह है JD1 पॉइंट, जो हमारा यह नाखून है, नाखून के एग्जैक्ट बाहर की साइड पर इस जगह पर यह पॉइंट मिलता है। यह पॉइंट हमारे घुटने के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, इसलिए यह पॉइंट को दबाने से हमें नी पेन में अच्छा रिजल्ट मिलता है। इनके बाद जो यह वाला मिडल जॉइंट है वह मिडल जॉइंट के एग्जैक्ट ऊपर और एग्जैक्ट नीचे इस तरीके से 2 पॉइंट हमें मिलते हैं। इसमें जो यह ऊपर वाला पॉइंट है वह पॉइंट का नाम है JD1B पॉइंट। यह पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि यह पॉइंट CMP यानी कि कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। यह एक पॉइंट हमारे यह जो पूरी जॉइंट डीजनरेशन मेडियन है इनके ऊपर प्रभाव डालता है, इसीलिए इनको दबाने से हमारे शरीर के सभी जॉइंट हेल्दी रहते हैं। इनके बाद का जो यह दूसरा पॉइंट है वह है JD1C पॉइंट। यह पॉइंट हमारे साइनोवल मेम्ब्रेन को कंट्रोल करता है। शरीर के जॉइंट के अंदर की साइड पर यह साइनोवल मेम्ब्रेन होता है और यह साइनोवल मेम्ब्रेन साइनोवल फ्लूइड को रिलीज करता है और यह साइनोवल फ्लूइड हमारे जॉइंट को लुब्रिकेशन देने का काम करता है, इसलिए इनको दबाने से भी हमारा जॉइंट हेल्दी रहता है। तो इस तरीके से हमें यह जॉइंट डीजनरेशन मेडियन के ऊपर यह 3 पॉइंट के ऊपर सारवार देनी है।
इनके बाद फिर हमने यह मिडल जॉइंट के ऊपर मसाज किया था। तो यहाँ पर यह मिडल जॉइंट पर इस तरीके से यह चार पॉइंट के ऊपर हमें सारवार देनी है। इसमें पहला पॉइंट हमारी जो यह आगे की साइड पर रेखा है इनके एग्जैक्ट मिडल पर मिलता है। यह पॉइंट का नाम है LR8 यानी कि लीवर का 8 नंबर का पॉइंट। इनके बाद पीछे की साइड पर जो यह जॉइंट लाइन है इनके अंदर और बाहर इस तरीके से दो पॉइंट मिलते हैं। इसमें यह वाला पॉइंट है ST35 पॉइंट और यह वाला पॉइंट है UB54 पॉइंट। तो यह तीनों पॉइंट हमारे नी जॉइंट को एक्टिवेट रखने का काम करते हैं। इनके बाद का पॉइंट यहाँ पर मिलता है, यह पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमारी जो यह वाली आगे की साइड पर जॉइंट लाइन है इनका इंडेक्स फिंगर साइड का जो यह एंड है इनके एग्जैक्ट नीचे यहाँ पर यह पॉइंट मिलता है। यह पॉइंट का नाम है SP9 पॉइंट। यह पॉइंट हमारे जॉइंट के आसपास जो लिम्फेटिक सिस्टम होती है इनको एक्टिवेट रखता है। इसीलिए जॉइंट के आसपास सूजन आ रहा है, कोई भी टॉक्सिन्स जमा हुए वह धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाते हैं। इनके बाद फिर हमने यहाँ पर मसाज किया था तो यहाँ पर इस तरीके से यह वाला पॉइंट मिलता है। जो हमारी यह पाम की रेखा है और जो यह थंब की रेखा है इनका जो जंक्शन होता है वहाँ पर यह पॉइंट मिलता है। यह पॉइंट का नाम है LY12 यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम का 12वां नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो यह पॉइंट हमारे स्पाइन के आसपास जो लिम्फेटिक सिस्टम होती है इनको एक्टिवेट रखता है। इसलिए स्पाइन के आसपास कोई भी टॉक्सिन्स जमा हुए वह धीरे धीरे यह पॉइंट को दबाने से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें यह सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को पहले लोकेट करना है, इनको मार्क करना है, फिर इनको हमें ऐसे एक्यूप्रेशर टूल का इस्तेमाल करके इस तरीके से हर एक पॉइंट को 30 सेकंड के लिए दबा के उनको एक्टिवेट करना है। इनके बाद फिर वहाँ पर हमें सीड को अप्लाई करना है। इस तरीके से आप मेथी के दाने ले सकते हो या फिर मूंग के दाने भी यहाँ पर लगा सकते हो। मैं यहाँ पर मेथी के दाने ले रहा हूँ। इस तरीके से आपको आधे चौड़ी पेपर टेप लेनी है, उनके ऊपर 2 से 3 मेथी के दाने लगा देने हैं। फिर हमारा जो पॉइंट है वह पॉइंट पर ऐसे यह दानों को चिपका देना है। यह दानों को 6 to 8 आवर्स के लिए यहाँ पर लगा के रखना है। इनके बाद इनको निकाल देना है। आप दिन में लगा के रख सकते हो या फिर रात को सोते वक्त लगा दीजिए, सुबह इनको निकाल दीजिए। दूसरी बार सारवार के लिए हमें नए सीट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपको जिस साइड दर्द हो रहा है वह साइड के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाना है। अगर आपको दोनों घुटने में दर्द हो रहा है तो दोनों साइड के पॉइंट्स को दबाना चाहिए। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को फ़ायदा मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।